अधिक अहमद के लोग तो पुलिस और एसटीएफ से भी स्मार्ट निकल गए। उमेश पाल के मर्डर को एक महीना होने वाला है, पर 5 लखिया आरोपियों की लोकेशन अब तक नहीं मिल पाई। यूपी पुलिस नेपाल से लेकर बंगाल तक चली गई, पर मिला कुछ नहीं। अतीक गैंग के लोगों को आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जांच एजेंसियां प्रयागराज के हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी हैं। यूपी के अलग अलग टोल प्लाजा पर लगे सैकड़ों घंटों के सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद भी वही ढाक के 3 पात। ना तो अतीक अहमद का बेटा असद मिला और ना ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। पुलिस ने पूरी ताकत और दिमाग इन्हीं दोनों के पीछे लगा रखा है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही प्रयागराज में अजीब सन्नाटा पसरा है। हर तरफ बस अतीक अहमद की ही चर्चा है। जिला कोर्ट के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है। क्या पता कब अतीक गैंग के लोग सरेंडर करने पहुंच जाएं। इसलिए दिन भर अदालत के बाहर पुलिस वाले चक्कर लगाते रहते हैं। पुलिस अतीक के लोगों को किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करने देना चाहती। उसका तो एकमात्र मकसद आरोपियों के एनकाउंटर का है। उमेश पाल मर्डर में प्रयागराज पुलिस अब तक 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार चुकी है। जिस क्रेटा गाड़ी से बदमाश उमेश पाल को मारने आए थे, वो अरवाज मारा जा चुका है। इसके अलावा विजय उर्फ उस्मान भी पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जिसने उमेश पर पहली गोली चलाई थी। उसे लगा था कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा और इस आत्मविश्वास में वो प्रयागराज में ही छिप कर रह रहा था। उमेश पाल मर्डर में 5 आरोपियों पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इनमें से एक भी अब तक यूपी पुलिस के हाथ नहीं आया है। अरमान वो बदमाश है जो मोटरसाइकिल चला रहा था। मोहम्मद गुलाम मोबाइल की दुकान पर खड़ा था और जैसे ही उमेश पाल गाड़ी से उतरा, वो गोलियां दागने लगा। साबिर राइफल से गोलियां चलाता रहा। गुड्डू मुस्लिम झोले से निकाल कर बम मारता रहा। अतीक अहमद का 3रा बेटा असद तो इस पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड ही था। ना तो एसटीएफ और ना ही प्रयागराज पुलिस, इनमें से कोई भी अभी तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। मोबाइल सर्विलांस से कोई मदद नहीं मिली। पुलिस के मुखबिर मुस्लिम बस्तियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बस कुछ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर मीडिया और विपक्ष को भरमाया जा रहा है। माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। उसका भाई और पूर्व विधायक अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेल में इन दोनों से मुलाकात करने वालों पर भी यूपी पुलिस की नजर है। इसी मामले में अशरफ के साले सद्दाम की भी पुलिस को तलाश है। वो फिलहाल फरार चल रहा है, पर उसका एक सहयोगी लल्ला गद्दी ने कल रात बरेली में सरेंडर कर दिया। उसे एनकाउंटर का डर था। यूपी पुलिस को लग रहा था कि शाइस्ता परवीन उसके हाथ आ जाएगी। शाइस्ता माफिया डॉन अतीक की पत्नी है। उमेश पाल मर्डर में उस पर भी मुकदमा चल रहा है। घटना के अगले ही दिन से वो गायब है। कहा जा रहा है कि उमेश की हत्या से पहले और बाद में सभी शूटर उसके घर पर ही जमा हुए थे। चकिया इलाके में उस घर को अब बुलडोजर से गिरा दिया गया है। शाइस्ता इस घर में किराए की मकान में रहती थी। पुलिस को लग रहा था कि महिला और गैर पेशेवर होने के नाते शाइस्ता शायद पकड़ में आ जाए, लेकिन पुलिस अब तक फेल रही है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता ने ही वारदात के बाद असद समेत सभी शूटरों को नए मोबाइल, सिम कार्ड और जरूरी पैसे दिए थे। उमेश पाल के मर्डर से पहले असद का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। बताया जाता है कि असद बेहद ही गुस्सैल स्वभाव का है। पुलिस को लगा कि शायद इसी कारण वो कोई गलती कर बैठे या फिर मदद के लिए किसी को फोन कर दे, पर महीने भर बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। कुल मिलाकर यूपी पुलिस और अतीक के लोगों के बीच तू डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। पुलिस ने सारे जतन कर लिए। मोबाइल सर्विलांस से लेकर मुखबिर नेटवर्क तक सब एक्टिव है, पर अतीक के गैंग के लोग तो सुपर एक्टिव निकले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान के बाद से पुलिस फोर्स जबरदस्त दबाव में है। अब यूपी पुलिस और एसटीएफ की सारी उम्मीदें इस बात पर है कि अतीक गैंग के लोग बस एक गलती करते हैं।